हाय फ्रेंड्स, नमस्ते किमचन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ इफ़ेक्टिव वाले फेस पैक जो आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगा। अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करेगा, अगर पिंपल के बाद आपको स्पॉट हो गए हो तो उसे भी दूर करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हाइपोपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ये माउथ के पास आपके लिप्स ब्लैक हो चुके हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करेगा। और हाँ, साथ में आपके अंडर आर्म्स को भी ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपसे जो फेस पैक शेयर करने वाली हूँ ना, वो सारे नेचुरल है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे। और अगर आप टीनेजर्स हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वाला फेस पैक देख लेते हैं। तो दोस्तों, विंटर सीजन चल रही है, तो विंटर सीजन में हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और ड्राई हो जाने के कारण डैमेज भी हो जाती है और स्किन पे इचिंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो गाइज़, अभी मैं आपसे जो फेस पैक शेयर करूँगी वो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। आपको एक बनाना लेना है, उसे आधा कट करना है और इसे छिलके के साथ ही क्रश करना है। उसके बाद इसमें आपको आधी चम्मच ग्लिसरीन ऐड करना है और 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के ऐड करने हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमारा फेस पैक रेडी हो चुका है, अब हम इसे अप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने केले को छिलके के साथ इसीलिए लिया है क्योंकि वो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको जूरिया हो चुकी है तो इसे भी ये दूर करेगा। अगर पिंपल के बाद काले धब्बे पड़ गए हैं या फिर आपकी स्किन डल हो चुकी है तो इसे भी ये दूर करेगा। ग्लिसरीन आपके रोम छिद्रों को बंद करने में भी मदद करता है, यानी कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। हमने इसमें टी ट्री ऑयल ऐड किया है तो टी ट्री ऑयल डैमेज स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो चुकी है या फिर स्किन पे इचिंग की प्रॉब्लम है तो इसे भी ये दूर करेगा। तो ये मास्क को आप वीक में 3 से 4 बार जरूर ट्राई करें। और ये सूख जाने के बाद हम इसे लुकवॉर्म वाटर की हेल्प से वॉश करेंगे, यानी कि गुनगुने पानी की हेल्प से हम इसे वॉश कर देंगे। तो गाइज, अगर आपके अंडर आर्म्स ब्लैक हो चुके हैं, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो चुकी है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी है, तो अभी मैं आपसे जो पैक शेयर करने वाली हूँ ना, वो सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा, साथ में आपके अंडर आर्म्स को भी ब्राइट करेगा और आपकी स्किन को भी ब्राइट करेगा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो मैं ये उपटन वाला फेस पैक यूज करने वाली हूँ, इसे आप पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस पैक। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको इंस्टेंट मिलेगा, और हम जो DIY फेस पैक अप्लाई करेंगे ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 वीक का भी टाइम लग सकता है या फिर 15 दिन का भी टाइम लग सकता है, लेकिन ये वाला जो फेस पैक है उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा। ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है तो इसे भी ये दूर करेगा, आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को भी हटाएगा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। दोस्तों, अगर आप एक ब्राइट बनने वाले हो तो ये फेस पैक बहुत ही अच्छा उपटन का काम करेगा, और साथ में आप इसे अंडर आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसे रेगुलर यूज करते रहोगे तो आपके अंडर आर्म्स पहले से काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। और हाँ, ये 100% नेचुरल है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, और इसे आपको वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करना रहेगा। ये अभी सूख जाएगा और सूखने के बाद हम इसे वॉश कर देंगे। और अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, तो चेक जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपके जो लिप्स है वो कॉर्नर से ब्लैक हो चुके हैं, या फिर आपका जो इतना सा जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लगता है, स्किन से ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, तो अभी मैं आपसे जो पैक शेयर करने वाली हूँ ना, ये प्रॉब्लम को वो दूर करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको आधा टमाटर लेके इस तरह से उसका जूस निकालना है, 1 चम्मच इतना। उसके अंदर हमें ऐड करना है एप्पल साइडर विनेगर, और इससे आपको आधी चम्मच ऐड करना है। उसके बाद हमें चाहिए बीट का पाउडर, अगर आपके पास बीट का पाउडर नहीं है तो आप बीट का जूस भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम 1 चम्मच गुलाब जल मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी पेस्ट रेडी हो चुकी है, अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो गाइज, आपको पता ही है कि बीट रूट में बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे खून को शुद्ध बनाने में हेल्प करता है, और साथ में ये हमारे स्किन के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें होता है विटामिन सी जो हमारे स्किन से दाग धब्बे को दूर करता है, और
हमारे स्किन को ब्राइट बनाता है और ये हमारे लिप्स को भी पिंक बनाता है। और अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो इसे भी ये दूर करेगा और आपकी स्किन को क्लीन बनाएगा। इसमें हमने एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड किया है तो ये भी हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है और हमारे स्किन से दाग धब्बे को भी हटाता है। और गुलाब जल भी हमारे स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो फेस पैक है उसे भी आप वीक में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करें। ये सूख जाएगा, उसके बाद हम इसे गुनगुने पानी की हेल्प से वॉश कर लेंगे। दोस्तों, हम अच्छा वाला फेस पैक तो यूज़ करते ही है, साथ में हमें अच्छा वाला फेस वॉश यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको ऐसे फेस वॉश देखने चाहिए जिसमें पैराबिन, मिनरल, सल्फेट ये सारे केमिकल्स ना हो। और ऐसा फेस वॉश जो होता है ना, वो हमारी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता है। और आप टीनेजर्स हो ना तो भी आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई अच्छा वाला फेस वॉश ये विंटर सीजन के लिए देख रहे हैं ना, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो उपटन वाला फेस वॉश है जो वाव स्किन साइंस का है, वो काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत ही अच्छे ऐसे गुण है जो पिंपल की प्रॉब्लम को भी हटाता है। आपको पता ही है इसमें हल्दी है, इसमें बेसन है जो स्किन को ब्राइट भी बनाता है। अगर आप दुल्हन बनने वाले हो और अगर आप ये फेस वॉश यूज़ करोगे तो शादी वाले दिन आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखोगे। शादी के 15 दिन पहले आप इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा ग्लो मिलेगा। और गाइस, पूरे फेस को अच्छी तरह से आप 2 मिनट तक मसाज करें ये फेस वॉश की हेल्प से। उसके बाद ठंडे पानी की हेल्प से फेस को वॉश कर दीजिए ताकि ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाए। और ये फेस वॉश को दिन में 2 बार आपको यूज़ करना है। तो गाइस, जब वीडियो एडिट करना होता है ना, जब मैं वीडियो शूट करती हूँ उसके बाद एडिट करना होता है ना, तो मैं रात भर बैठ के एडिट करती रहती थी, तो मुझे 4 भी बज जाते थे और 5 भी बज जाते थे वो कंप्लीट करने में। तो उसके कारण मेरे डार्क सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। हम जितना भी अच्छा वाला आई क्रीम यूज़ कर ले, फिर भी अगर हम लेट सोते हैं या फिर हम हमारी स्किन की अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके कारण डार्क सर्कल तो हो ही जाता है। तो गाइज, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि मेरे जो डार्क सर्कल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने पूछा भी था। अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो ये वाला पैक आप ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली डार्क सर्कल के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आपको चाहिए 1 चम्मच पुदीना पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका रस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के, 1/2 चम्मच कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा गुलाब जल। और ये हमारी पेस्ट रेडी है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे, तो इसे थोड़ा सा थिक अप्लाई करना है। इसमें हमने पुदीना पाउडर ऐड किया है तो आपको थोड़ा सा टिंगलिंग जैसा फील होगा, तो इसके कारण ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा और आपके जो डार्क सर्कल है ना, उसे भी दूर करेगा। टी ट्री ऑयल भी डार्क सर्कल को दूर करने में हेल्प करेगा। और इसमें हमने कोकोनट ऑयल ऐड किया है तो ये हमारे अंडर आई को मॉइस्चराइज रखेगा और डार्क सर्कल को भी हटाएगा। और गुलाब जल भी डार्क सर्कल को दूर करने में हेल्प करेगा। इसे भी हम सूखने देंगे और सूख जाने के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। और इसे हमें लुकवार्म वाटर की हेल्प से वॉश करना है। और ये सारे फेस पैक ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वाव स्किन साइंस का ये इफेक्टिव वाला फेस पैक और फेस वॉश खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे ज़रूर लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।